दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में हम सेमिनार में लोगों को कैसे बुलाएं? हम जब नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ जाते हैं तो हम सेमिनार में लोगों को कैसे बुलाएं, कैसे मिले उससे? सबसे पहला बात यह होता है कि हम लोगों से कैसे बात करें, कैसे बुलाएं जिसे हमारा सेमिनार में आ जाए। बहुत लोग का सवाल ये होता है, कई लोग जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग सुनते ही पीछे हट जाते हैं, सेमिनार में आते ही नहीं है। कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बताओगे तो समझ बात ही नहीं सुनते। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सेमिनार में कैसे बुलाए, कैसे मिले, कैसे आपको अपने आप को साइड करना है कि हम सेमिनार में लोगों को बुलाए, कैसे आपको टारगेट करना है। तो आप अगर सेमिनार में, अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो सबसे पहला चीज होता है टारगेट। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइनिंग किए हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपने पहले मोटिवेशन कि आपको मेरे को कामयाब होना है, कोई नहीं रोक सकता मेरे को, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता हूं, अपना नेटवर्क खड़ा कर सकता हूं, मैं प्रोडक्ट बेच सकता हूं। सेमिनार में मैं 100 लोग को बुलाऊंगा। टारगेट आपको सेमिनार में बुलाने के लिए टारगेट बनाना है। आप जब सेमिनार में के लिए लोगों को इनवाइट करेंगे तो आपको बहुत से लोगों मिलेंगे, बहुत से लोग मिलेंगे आपको, ऐसे ऐसे लोग जिससे आपको बातें करना। सबसे पहले बातें करना सीखिए कि हम लोग को कैसे बताएं कि सेमिनार के लिए आओ सर, प्लान ये है। तो डायरेक्ट ये नहीं बताना है आपको। सबसे पहला चीज ये है कि आप अपने आप को मोटिवेशन, उत्साह, हंसते हुए एक यूनिफॉर्म, कोट, टाई, वो आज अच्छे से एक तरह से तैयार हुए। जब तैयार हो जाते हैं, जब जाते हैं लोग से मिलने के लिए, सेमिनार के कार्ड देते हैं, इनवाइट करते हैं, तो कई लोग मिलते हैं आपको। सबसे पहला चीज है जो असफल है, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ चुके हैं और 2 महीने 4 महीने कर चुके हैं, जो असफल व्यक्ति। कई लोग ऐसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में जानते हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग जुड़ने से ये आदमी जोड़ने वाला तो है, ये लोग मिलेंगे आपसे, नहीं सीखना है, नहीं लेना भी है, नहीं जाना मेरे को, मतलब कई लोग जानते हैं। तो आपको सबसे पहले जानना है, जब सेमिनार में आप यहां पर जब बुलाने जाते हैं, जब इनवाइट करने तैयार होके जाना है, लोगों से मिलना है, हाथ मिलाना है, क्या हाल चाल है सर, कैसे हैं आप, सब बढ़िया सर, मैं एक सेमिनार होने वाला है जिसमें बहुत सारे कंपनी आने वाला है, बहुत से लोग आने वाला है, जिसमें सामान मिलने वाला है, जॉब के तरीका बताएगा, तो सेमिनार में आप आने चाहोगे? अगर सर नाम बताइए, मैं कार्ड देता हूं, बिना कार्ड के एंट्री नहीं होगा वहां। आदमी समझ जाता है उस चीज में, कार्ड उसको दो। पहला आपका टारगेट होता है 200। 100 लोग असफल में से मिलते हैं, 50 लोग आपको हंसने वाला मिलेगा, ये कहां से जुड़ गए, 50 लोग में से आपका कार्ड लेगा, 50 में से 25 लोग आपको आपका प्लान सेमिनार में आने वाले हैं। जब सेमिनार में आते हैं, 10 लोग आपका बात सुनते हैं, 10 लोग कॉन्टेक्ट नंबर देके जाते हैं, सिर्फ उसमें से 2 या 4 लोग कॉन्टेक्ट नंबर आपका कॉल रिसीव करेंगे, साथ में 1 या 2 आपका सेमिनार में जब आपका नेटवर्क ज्वाइनिंग करते हैं। इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं। कभी भी असफल व्यक्ति से आप सीखेंगे, आप उससे क्या बोल रहे हैं, हाँ सर बताइए ना, कैसे असफल हुए, मिलो उससे, कैसे असफल हो सकते हैं आप, क्या चीज के कारण पीछे हटे सर, क्या हुआ था उसमें सर, उसको बात सुनिए। आपको सीखने के लिए मिलेगा कि उस चीज को क्या बता रहा है, हम किस बात से हम उससे ये कि हम सीख रहे हैं उससे, बताइए सर क्या हुआ था आदमी का, क्या होता है सर, हर चीज उससे पूछो। दूसरी ये चीज है, अपने टीचर, अपने शिक्षक एक होता है, टीचर देने वाला एक, शिक्षा देने वाला हर चीज का एक कामयाब होता है। हम एक गुरु बिना शिष्य नहीं होता और शिष्य बिना गुरु नहीं होता, दोनों एक चीज है कि हम गुरु से शिक्षा लेते हैं तब हम सीखते हैं। तो पहले अपने सर से,
सीनियर से सीखे कि सर हम नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे बुलाए आदमी को, कैसे हम सिखा सकते हैं, कैसे प्लान बता सकते हैं, हम सेमिनार में कैसे बुलाए लोगों को, आपको सिखाएंगे। तो ये होता है सेमिनार में बुलाने का तरीका। आप सेमिनार बुलाने के लिए डायरेक्ट इनवाइट करोगे, सर ये है ज्वाइनिंग करोगे, नेटवर्क मार्केटिंग है, तो नहीं आने वाला, आपको बताना है। सेमिनार के लिए बहुत से लोग कंपनी वाले आने वाला है, ऐसे ऐसे अवार्ड मिलने वाला है, बहुत से जॉब देने वाला है, आप एक बार आकर देखिए सर, बताना, पैसे कमाने का तरीका बताएगा आपको। तो आपको इस तरह से इनवाइट करना है। तो मिलने का तरीका, आप बातें करने का तरीका, सबसे एक अनुभव होता है आदमी को, क्या ये व्यवहार से बात कर रहे हैं, अच्छे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो ये होता है हम इनवाइट करने का तरीका और बात करने का तरीका, सेमिनार में बुलाने का तरीका।